हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट सेक्शन में। आज आपको बताएंगे यूपी बोर्ड का, जैसे कि आपको पता होगा कि रिजल्ट आ चुका है, तो आज हम आपको बताएंगे कि इसमें टॉपर कौन से रहे हैं, यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के हम बात करेंगे। टॉपर लिस्ट आपको टॉप 10 में कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो सारा कुछ हम लिस्ट पे साथ साथ नाम भी आपको बताएंगे और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा नाम मेंशन कर भी देंगे, ताकि आपको पता भी चले कि कौन से लोग हैं और वो किस जिले से बिलोंग करते हैं और उनके परसेंटेज कितने बने हैं और जिन्होंने वो पूरे अपने यूपी को टॉप किया है, टॉप 10 में है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। दोस्तों एक गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर ऐसे ही जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको कराए जाते हैं, तो आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी 2019 में जो आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है 27 अप्रैल को, तो उसमें आपके जो टॉप में हैं वो कितने हैं और कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, क्या परसेंटेज रहा पिछली बार के आंकड़े के अनुसार, सर आपको डेटा बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ आपको कि इसमें जो आपका कक्षा 10 की बात कर लें, यानी कि 10वीं की बात करें, तो इसमें 80.07% स्टूडेंट पास हुए हैं। और बात करते हैं यदि हम इंटरमीडिएट की, यानी कि 12वीं की, तो इसमें 70.06% स्टूडेंट पास हो गए हैं। जैसे बता दें आपको कि अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो निदेशक हैं, तो इसके जो निदेशक हैं विनय कुमार पांडे जी ने दोपहर को 12:30 बजे इसका रिजल्ट आपको अनाउंस किया 27 अप्रैल को। इसका जो दिन था वह शनिवार था। और आपको बता दें कि यह परीक्षा आपको जो बीती हुई है फरवरी, तो 7 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक आपका पूरा यह परीक्षाएं चली थी, जिसमें 10वीं की परीक्षाएं केवल 14 दिन में ख़त्म हो गई थी। और यदि बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो वह 16 दिनों में समाप्त कर लिया गया था, यानी कि बहुत ही जल्दी से परीक्षाएं इसकी इस बार कंप्लीट कराई गई थी। और बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो कुल मिला जुला करके हाई स्कूल और इंटर की बात कर लें, यानी कि 10वीं और 12वीं की बात कर लें दोस्तों, तो इस बार आपका 106,922 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। अभ्यर्थी के दोस्त मतलब ये आपके स्टूडेंट्स ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से केवल हाई स्कूल के 31,95,603 अभ्यर्थी और इंटर की बात कर लें यानी कि 12वीं की, तो 26,11,319 अभ्यर्थी इसमें रजिस्ट्रेशन कराए थे और उन्होंने एग्ज़ाम को दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके जो टॉप लिस्ट में हैं वो कौन कौन है लोग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई स्कूल की, सबसे पहले हाई स्कूल की बात करते हैं, फिर इंटरमीडिएट की भी बात कर लेंगे। तो हाई स्कूल में जो आपका सबसे पहला टॉपर है वो है गौतम रघुवंशी, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने 600 में 583 नंबर हासिल किया है। दोस्तों ये बता दें आपको कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको हम परसेंटेज में बांट लें तो आपको 97.17% इन्होंने अंक हासिल किए हैं जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, और ये पहले नंबर पर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हैं 582 नंबरों के साथ शिवम, जो कि बाराबंकी जिले से बिलोंग करते हैं और इनका परसेंटेज 97.00 है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे अभी यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के जो टॉपर हैं वो तनुजा विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने इसी क्रम में 581 नंबर पाया है 600 में से, जिनका 96.83% है और ये भी बाराबंकी जिले से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 4 की, तो आगे चार नंबर है अपूर्वा वैश्य का, जिन्होंने 577 नंबर प्राप्त किया है 600 में से और इनका परसेंटेज बात कर लें तो 96.17% है और ये बांदा जिले से बिलोंग करते हैं। आगे एक और हैं अपूर्वा वैश्वा के साथ, जिनका नाम है शुभांगी और ये भी 577 नंबर पाई हैं और इनका भी परसेंटेज 96.17 है और ये बाराबंकी जिले से बिलोंग करती हैं। आगे बात करते हैं शिखा सिंह की, शिखा सिंह भी 572 नंबर पाई हैं और ये 5वें पायदान पे हैं और इनका परसेंटेज बात कर लें तो ये 95.33% है और ये उन्नाव जिले से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं एक और हैं निखिल चौरसिया, जो कि भी 5वें पायदान के ये भी दावेदार हैं और इनका भी नंबर 572 है, यानी शिखा सिंह और निखिल चौरसिया दोनों का नंबर सेम है 572, जो कि दोनों लोगों का 95.33% है और ये भी निखिल चौरसिया जी हैं श्रावस्ती से। दोस्तों जो सारे नाम मैं बता रहा हूँ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करके भी देख सकते हैं कि जो इस बार के टॉपर हैं कौन कौन लोग हैं और कहाँ उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। आगे बात करते हैं नंबर 6वें नंबर पे, तो 6वें नंबर पे हैं हर्षित सिंह, जो कि 570 नंबर पाए हैं और ये मऊ जिले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों एक और हैं ईसा जादव भी हैं, जो कि 570 नंबर है और ये भी आपको बता दें कि ये भी आपकी मऊ ज़िला से बिलोंग करते हैं और इनका भी 95% है, जो कि 570 नंबर एक्यूरेट इन्होंने पाया है। दो लोग हर्षित सिंह और ईसा यादव, दोनों लोगों का नंबर सेम है
और दोनों लोग मऊ जिले से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं गोपाल मौर्य जो कि 569 नंबर से पास हुए हैं और इन्होंने सातवें पायदान पे हैं गोपाल मौर्य और इनका परसेंटेज 94.83 है और ये संत कबीर नगर से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं सातवें के बाद आठवें पायदान पे, तो आठवें पायदान पे हैं अनुराग सिंह जिन्होंने 568 नंबर पाया है 600 में, जिनका 94.67% है और ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। आठवें पायदान पे एक के दायरेदार एक और हैं श्रद्धा सचान जिनका 568 नंबर है और 94.67 ये भी प्राप्त किए हैं और ये भी कानपुर से बिलोंग करते हैं। एक और परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 569 नंबर प्राप्त किया है और इनका नाम गौरा कुमार है जो कि 94.67% है और ये कन्नौज से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं नवें नंबर पायदान पे, तो नवें नंबर पायदान पे प्रियांशु गुप्ता जी हैं जिन्होंने 567 नंबर प्राप्त करके 94.50 के साथ कानपुर का नाम रोशन किया है। आगे बात करते हैं नवें नंबर पे एक और दावेदार हैं प्रियांशु गुप्ता जी के साथ में जो कि 567 नंबर इनका भी है, तो इनका दोनों लोगों का नंबर सेम है और ये भी कानपुर से बिलोंग करती हैं। आगे बात करते हैं एक और हैं जैनब जी, इनका भी 567 नंबर है जो कि दिव्यानी प्रियांशु और जैनब दोनों तीनों लोग सेम नंबर पाए हैं और ये इटावा से बिलोंग करते हैं जैनब जी। आगे बात करते हैं तो दसवें पायदान के, तो दसवें पायदान में आपके पांच लोग दावेदार हैं, एक हैं सुनिधि वसुंधरा, एक हैं हर्ष खत्री और एक हैं अक्षय कुमार और प्रज्ञा देवी साक्षी जायसवाल। ये पांचों लोगों का नंबर 566 है, तो जिसमें सुनिधि वसुंधरा हैं ये रायबरेली से हैं, हर्ष खत्री हैं ये कानपुर से हैं, अक्षय कुमार हैं ये प्रयागराज से हैं, प्रज्ञा देवी हैं ये फतेहपुर से हैं, साक्षी जायसवाल जी हैं अयोध्या से हैं। दोस्तों इस बार मैंने आपको जो भी इसमें अभ्यर्थी थे टॉप टेन में दावेदारी कर रहे थे इस बार 2019 के एग्ज़ाम रिजल्ट में, तो मैंने सारा आपको उसको बताया। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट में कौन कितना टॉपर रहा, टॉप टेन की बात करेंगे, इसमें भी आपको एक एक करके सारा टॉप टेन में बताएंगे कि कौन कितने नंबर और कितना परसेंटेज के साथ किस जिले से बिलोंग करता है। तो पहले नंबर पर बात करते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट में, तो पहला नंबर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 97.80% है जो कि तनु तोमर जी का है और ये बड़ौत बागपत से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे भाग्यश्री उपाध्याय हैं जो कि 95.20% है जो कि गोंडा जिले से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं नंबर तीन पे हैं आकांक्षा शुक्ला जी जो कि 94.80% है और ये प्रयागराज से बिलोंग करती हैं। नंबर चार की बात करते हैं यानी चौथे नंबर पे कौन है टापर में, तो चौथे नंबर पे हैं युवराज जिनकी प्राप्तांक है 94.60% और ये बड़ौद बागपत से बिलोंग करते हैं। नंबर पाँचवीं बात करते हैं तो दीक्षा जी हैं जो कि 93.80 के साथ फतेहपुर जिले से पाँचवें नंबर की पायदान पे हैं। आगे बात करते हैं पाँचवें नंबर पे एक और हैं श्वेता सिंह और दीक्षा, दो लोगों का नंबर सेम है बिल्कुल, जो कि श्वेता सिंह हैं वे मऊ जिले से हैं और ये भी 93.80% नंबर प्राप्त किए हैं। आगे बात करते हैं छठवें नंबर पे दो लोग हैं अंकिता कुमारी ऋषिराज भार्गव, जो कि अंकिता कुमारी लखनऊ से हैं और ऋषिराज भार्गव बाराबंकी से हैं और दोनों लोगों का नंबर 93.40 नंबर है। आगे बात करते हैं दोस्तों सातवें पायदान पे केवल एक हैं स्वती सिंह जो कि 93.20 गाजीपुर जिले से बिलोंग करती हैं। आगे बात करते हैं आठवें पे दोस्तों तीन लोग हैं प्रशांत कुमार दृष्टि और आकांक्षा सिंह, जिन तीनों लोगों का नंबर 92.80 है और प्रशांत कुमार मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, दृष्टि इटावा से, आकांक्षा सिंह आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं। तीनों ने अपने अपने ज़िले का नाम रोशन किया है और ये आठवें पायदान के दावेदार हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों नवें नंबर पे हैं अतिथि कुमार जो कि 92.60 नंबर प्राप्त करके लखनऊ से अपने होम डिस्ट्रिक्ट इनका लखनऊ है। आगे बात करते हैं शिवांगी पांडे, तो शिवांगी पांडे जी की 10वें नंबर के पायदान की यह दावेदार हैं और ये 92.20 के साथ अमेठी से अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही हैं। दोस्तों सभी लोगों को जो भी आपके टापर थे सबसे पहले उनको बहुत सारी बधाइयाँ। दोस्तों ऐसे ही आप अपने ज़िले अपने क्षेत्र अपने देश का नाम रोशन कर देते रहें। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ और फ्री फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे हाई स्कूल और इंटर से संबंधित। दोस्तों बात कर लें पिछले वर्ष की तुलना की बात कर लें कि पिछले वर्ष का जो रिजल्ट परसेंट बना था इस बार में जो वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो बता दें दोस्तों कि यदि बात करते हैं हाई स्कूल यानी 10वीं की, तो पिछली बार की उत्तीर्णता प्रतिशत में यानी कि जो पिछली बार लड़के उत्तीर्ण किए थे जो बंदे पास किए थे, इस बार उनकी जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है जो परसेंटेज पास किए हैं उसमें परसेंटेज का इजाफा हुआ है। तो बता दें दोस्तों आपको 4.91% की वृद्धि हुई है, पिछले बार जितने भी अभ्यर्थी पास हुए थे
उसकी अपेक्षा इस बार 4.91% अभ्यर्थी अधिक पास हुए हैं। और बात करते हैं यदि 12वीं जिसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, तो इंटरमीडिएट में तो पिछली बार की तुलना में इस बार 2.37% की कमी हुई है, यानी कि जो पिछली बार पास हुए थे उससे 2.37% कम बंदे इस बार पास हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों कि हाई स्कूल में कुल कितने टॉप 10 में पासिंग हैं, तो बात करते हैं यदि पूरे उत्तर प्रदेश में तो टॉप 10 में हाई स्कूल में 21 लोगों के नाम हैं, और जबकि इंटर में टॉप 10 में केवल 14 अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं 2018 में हाई स्कूल में कितने अभ्यर्थी पास हुए, तो दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि 4% का इजाफा हुआ है इस बार, तो पिछली बार बता दें यानी कि 2018 में, तो 2018 में दोस्तों 75.16% अभ्यर्थी पास हुए थे, और बात करते हैं 2019 में तो 80.07% इस बार पास हुए हैं। बात कर ले दोस्तों आपको इंटरमीडिएट की कक्षा 12 की, तो पिछली बार यानी 2018 में 72.43% अभ्यर्थी पास हुए थे, जो कि इस बार घट करके 70.06% हो गया है। दोस्तों ये था कुछ हाई स्कूल का रिजल्ट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए थे उसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको नहीं पता थे हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस पर ऐसा ही सभी लेटेस्ट अपडेट या भर्ती संबंधित कोई भी जॉब वीडियोज़ आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही सही होता है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है, तो आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। बस दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।